माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने गुरुवार को कई पहलुओं पर पूछताछ की। एसआईटी में शामिल सदस्यों ने पुलिस के आला अफसरों से बातचीत के बाद अतीक अशरफ की सुरक्षा में रहे पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। एसआईटी ने खासतौर पर कॉल्बिन अस्पताल में अतीक अशरफ के पहुंचने वाले वीडियो और फुटेज देखा है। असल में एसआईटी अब उस पहलू को खंगाल रही है जब जीप से उतरते ही अतीक ने एक तरफ देखकर इशारा किया था। कई बार उस पल का वीडियो देखा गया है। एसआईटी उस इशारे का मतलब तलाशने की कोशिश में है, साथ ही दूसरी तरफ खड़े शख्स का पता लगाने में जुटी है जिसे देख अतीक ने इशारा किया था। एसआईटी की जांच इस एंगल पर भी है कि अतीक ने अस्पताल के बाहर अपने किसी करीबी को खुद बुलाया था, वह शूटर थे या फिर बिचौलिया, इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। जांच इस दिशा में है कि कहीं अतीक ने अपने ऊपर हमला कराने को तो किसी को नहीं बुलाया था। यह जांच का विषय है कि शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह या उनके हैंडलर कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर गए, या फिर हमले की साजिश से पहले किसी और ने हत्या की कहानी अंजाम दे दी। सबसे अहम सवाल यही है कि गाड़ी से उतरते समय अतीक अहमद ने किसे इशारा किया था। इसी पॉइंट को सीसीटीवी के जरिए खंगालने में एसआईटी जुटी है। शक किया जा रहा है कि झूठे हमले और फायरिंग के बाद अतीक और अशरफ कोर्ट में अपनी सुरक्षा का हवाला देते, उससे पहले ये कांड हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।